नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। पंजाब गोवा चुनावों के बाद राजनीतिक पार्टियों की नजर यूपी पर। यूपी में आज रैलियों का रेला। मोदी अलीगढ़ में तो राहुल अखिलेश कानपुर में करेंगे रोड शो। इससे पहले राहुल सहारनपुर में और अखिलेश यादव उन्नाव में करेंगे रैली। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी ने शिवसेना के रूप में अपना एक कट्टर समर्थक खो दिया, एक ऐसा समर्थक जिसने गुजरात दंगों के बाद भी किया मोदी का समर्थन, जब उस समय हर कोई था उनके खिलाफ। चेन्नई में आज AIADMK के विधायक दल की बैठक। तमिलनाडु में हो सकता है सियासी तख्ता पलट। शशिकला संभाल सकती हैं तमिलनाडु की कमान। जयललिता की भतीजी ने लगाया साजिश का आरोप। कहा लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बन सकते हैं अब्दुल बासित। फिलहाल भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं बासित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम बैन फैसले पर रोक। वैध वीजा के साथ अमेरिका में सबकी एंट्री। एक अदालती आदेश के बाद अमेरिकी प्रशासन ने रोक लगाए जाने के निर्णय को किया निलंबित। ट्रंप ने अदालती फैसले को बताया हास्यास्पद। और डेविस कप में रिकॉर्ड, 43वां मैच जीतने से चूके लिएंडर पेस, नहीं रच पाए इतिहास। पेस और विष्णुवर्धन की जोड़ी को एशिया ओसनिया ग्रुप के एक डबल्स मुकाबले में न्यूजीलैंड के ऑर्टेम सिटाक और माइकल वीनस ने दी शिकस्त। सिटाक वीनस की जोड़ी ने 6-3, 3-6, 6-7 और 3-6 से हराया। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।